पीएम मोदी की मुंबई वासियों को बड़ी सौगात, ठाणे रीवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइन का लोकार्पण, मुंबई को मिलेगी और अधिक रफ्तार। पंजाब के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, पंजाब की जनता से किए कई बड़े वादे, 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का किया वादा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर प्रशासन का जोर, पीलीभीत में डीएम ने घर घर जाकर किया लोगों को जागरूक, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सहारनपुर में देखी सत्ता की हानक, युवक ने की हेड कांस्टेबल की पिटाई, बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य का आरोपी बेटा गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली दो अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मुंबई उपनगरीय रेलवे की दो उपनगरीय रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ठाणे दीवा के बीच नई बनी पांचवी और छठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबई को बहुत बहुत बधाइयां। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी इज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देने वाली है। आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही है, इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं, इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाइयों और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। 2008 में इस पांचवी और छठी लाइन की शिलान्यास हुआ था। इसको 2015 में पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से लटका रहा। इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया, समस्याओं को सुलझाया। मुझे बताया गया है कि 34 स्थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। वहीं कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपना 13 पॉइंट का घोषणा पत्र जारी किया है। अपने इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए सीएम चन्नी ने कहा, पहले हस्ताक्षर से 1,00,000 नौकरियां दूंगा।
कांग्रेस ने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। सीएम चन्नी ने इस मौके पर यह भी कहा कि हर कर्मचारी को पक्का करेंगे। सीमा पार से ड्रोन ड्रग्स के सवाल पर चन्नी ने कहा, यह सब कुछ चुनाव में पंजाब को डराने के लिए किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ये 13 पॉइंट्स एजेंडा है जो कि बाबा नानक से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हमारा कैंपेन सकारात्मक कैंपेन है। हम लोगों को बता रहे हैं कि हम पंजाब के लिए क्या करने वाले हैं। पेड़ का फल निकल आया है, हम लोगों को फल खिलाना चाहते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स जरिए आप बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य बातें रही। तो केबल की मोनोपोली तोड़ना, केबल के रेट को 400 से 200 लाएंगे। इसके अलावा 1100 रुपए महीना और 8 सिलेंडर साल में महिलाओं को फ्री दिए जाएंगे। सरकार बनते ही 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। बुजुर्गों की पेंशन 3100 की जाएगी। तो ये मुख्य बातें हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो कि पंजाब के लिए जारी किया गया है। हर कच्चे मकान को पक्का करेंगे, ये भी मुख्य एक वादा है। सरकारी स्कूलों में फ्री में शिक्षा देंगे और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से अच्छा करेंगे। इसके अलावा फ्री हेल्थ सर्विस भी दी जाएगी। ये मुख्य बिंदु जो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपके अलग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरकार तिलहन, मक्का और दाल की पूरी फसल खरीदेगी, तो ये भी एक बड़ा फैसला किसानों के लिए लिया गया है। 12वीं पास करने वाली लड़कियों को 20,000 और कंप्यूटर दिए जाएंगे, यानी कि 20,000 की नकदी और कंप्यूटर दिया जाएगा। इसके अलावा मनरेगा के तहत 150 दिनों की मजदूरी देंगे और दैनिक मजदूरी 350 से कम नहीं होने देंगे। स्टार्टअप को 2 लाख से 12 लाख तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके अलावा घरेलू और लघु उद्योगों के लिए 2 से 12 लाख का ब्याज मुफ्त लोन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। तो ये वो मुख्य बातें थी जो आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी ग्राफिक्स के माध्यम से, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी। ये 13 पॉइंट्स बेहद अहम थे। कांग्रेस ने पंजाब में घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें तमाम वादे और दावे किए गए हैं, लेकिन इस पर कितना खरा उतरेगी सरकार ये तो वक्त बताएगा। अज किन्ने बंदे है जिन्होंने गुर्दा बदलाना है, किन्ने बंदे पिता बदलाना चाहते, किन्ना गोडा बदलाना चाहते, पैसे करके नहीं हो सकते। अखा च मोतरिया उतरिया वे पैसे नहीं है। ये गल खत्म करके सरकारी हस्पतालों के फ्री इलाज ऐसे शुरू करना है। बंदा आवे हस्पताल च पवे, नौ बर नौ होकर घर में जाए। मैं गरीब घर के पैदा होया, जब मैं जमया सी तो थले भी कच्चा सी तो उपर भी कच्चा सी। मेरी मां ते मैं ऐसी टोबे चो गारा लेके आना, तूड़ी मिलानी, गोहा मिलाना, गारा बना के घर लिपना, उपर भी थले भी। अज 75 साल हो गए आज़ादी नू, अज भी कच्चे मकान है और कच्चे मकाना दी भरमार है। सानू मौका मिलिया 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब दे विच कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये मैं पंजाब दे लोकां दे नाल वादा कर रहा अपनी पार्टी नूं कॉन्फिडेंस लेके कि असी पंजाब दे विच कच्चा मकान नहीं रहन देवांगे। ते रुजगार जरूरी है। पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने कहा, असी 1 लाख नौकरियां ते करांगे, कुर्सी सांभदे सार 1 लाख नौकरी ते सहन करके पंजाब दे नौजवानां नूं नौकरियां दित्तियां जाणगियां। प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों को, क्योंकि वो हम पैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5,000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड साइकिल एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। देयरफॉर उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है,
फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है मैंने पहले ही कहा था वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एससी स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू एक्सटेंडेड टू ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो विल गिव इट यू इन डिटेल। बट आम आदमी को ये समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी यूनिवर्सिटी एससी स्कूलों में और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। वहीं पीलीभीत में चौथे चरण में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिम्मेदार अफसर लगातार मतदाताओं को जागरूक करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में डीएम पुलकित खरे घर घर जाकर स्कूल के बच्चों के बनाए गए स्लोगन पट्टिकाओं को लेकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जनता भी घर पहुंचे डीएम को देखकर शत प्रतिशत मतदान करने की बात कहती दिख रही है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष मुहिम जनपद पीलीभीत में चलाई जा रही है। इसमें पिछले चुनाव में जिन मोहल्लों का और जिन गाँव का क्या वोटिंग प्रतिशत रहा है इसको हम लोगों ने निकाला और उसके इस प्रकार से विशेष फ्लेक्सी बोर्ड बनवाए हैं जिससे उस मोहल्ले वालों को उन वार्ड वालों को ये जानकारी मिल सके कि उनके यहाँ पिछला वोटिंग प्रतिशत क्या रहा। उसके बाद उच्च अधिकारियों की एक टीम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है कि आगामी 23 फरवरी को वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। 5 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड स्कूली बच्चों ने बनाए हैं और वो पोस्ट कार्ड इन अधिकारियों के माध्यम से हर घर में पहुँचाए जा रहे हैं। मेरे द्वारा भी आज इस कॉलोनी में जहाँ पर पिछली बार काफ़ी कम वोटिंग प्रतिशत रहा वहाँ जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, उनसे बातचीत करनी हुई वहाँ पे है, उनसे मैंने पूछे कई कारण पूछे कि वो क्यों वोट नहीं कर रहे हैं, उनको वही आमंत्रण पत्र जो बच्चों ने बनाए हैं वो दिए गए। कानपुर देहात में जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कानपुर देहात के चारों विधानसभाओं के लिए कल पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी जो वापसी में अकबरपुर महाविद्यालय में ईवीएम जमा करेंगे और ईवीएम 10 मार्च तक केंद्र सुरक्षा बल की अभिरक्षा में रहेंगी। कानपुर देहात में 1651 मतदान स्थल बनाए गए हैं, साथ ही 1137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 13 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा, सैनिटाइजर मास्क और उचित दूरी का खास ख्याल रखा जाएगा। वोटिंग के लिए ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने बताया कि कानपुर देहात में मतदान के लिए 133 सेक्टर बनाए गए हैं जिनको 18 जोन में बांटा गया है, साथ ही 15 सेट्रिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, 179 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से 69 कंपनी पुलिस बल तैनात किया गया है जिनमें से 6900 पुलिस जवान और करीब 5500 पुलिसकर्मी अन्य जनपद से बुलाए गए हैं। करीब 12500 सशक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर बूथ पर एक चौकीदार सहित 9 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कानपुर देहात में कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,000 से ज्यादा है और महिलाओं के 9 पिंक बूथ बनाए जाएंगे। कानपुर देहात में 20 फरवरी को मतदान है, उसी क्रम में कल 19 फरवरी को हमारी मतदाता पार्टियां यहां से प्रस्थान करेंगी सवेरे कलेक्ट्रेट ग्राउंड से और 20 तारीख में शाम को वो पोल्ड ईवीएम के साथ में अकबरपुर महाविद्यालय लौटेंगी। इसी क्रम में जो हमारे जनपद में 13,23,000 मतदाता हैं उनके विषय के विवरण, हमारी पुलिस व्यवस्थाओं के विषय में विवरण, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के विवरण हम लोगों ने साझा किए हैं और आप लोग के माध्यम से हम पूरे जनपद से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो भारी संख्या में मौके पर पहुंचकर मतदान करें और अपने सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र को मजबूत करें। जी, जैसा कि आप अवगत हैं कि तीसरे चरण का मतदान हमारे जनपद कानपुर देहात में 20 तारीख को है, उसी क्रम में हमारे यहाँ जो CPMF फोर्सेज हैं, स्टेट की आर्म फोर्सेज हैं, UPPAC है व अन्य जनपदों से इकाइयों से पुलिस फोर्स शत प्रतिशत हमारे यहाँ आ चुका है और उनको शत प्रतिशत ड्यूटी कार्ड्स और उनका जो डिप्लॉयमेंट बुकलेट्स हैं वो दे दी गई हैं, बांट दी गई हैं। अभी 3 बजे उनकी ब्रीफिंग होने जा रही है पुलिस लाइन ग्राउंड पे और
आपस में समन्वय बनाने के लिए, जैसा कि डीएम साहब ने भी बताया कि सेक्टर लेवल से लेकर जोन सुपर जोन लेवल तक पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से, पूर्ण समन्वय से काम करेंगे। तो हमारे हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ अब तक व्यवस्था से, हमारे उच्चाधिकारी ने भी संतुष्टि प्रकट की है। वहीं सहारनपुर के बिहारीगढ़ कस्बे में तैनात हेड कांस्टेबल को एक युवक ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हेड कांस्टेबल को इलाज के लिए सहारनपुर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य बाबूराम राठौर का बेटा संदीप कुमार अपनी स्कॉर्पियो बुग्गावाला चौक पर खड़ी कर चला गया, जिसे ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार ने जाम लगने के कारण आगे करने को कहा, जिसके बाद उसने गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी कर दी। लोगों की माने तो जब हेड कांस्टेबल ने उसे मना किया तो संदीप कुमार उतरते ही हेड कांस्टेबल का गरेबान पकड़कर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसके कारण बुजुर्ग कांस्टेबल जमीन पर गिर गए और उसकी कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। उसके गले पर भी चोट और खरोंच के निशान हैं। बिहारीगढ़ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हेड कांस्टेबल को प्राथमिक उपचार और मेडिकल के लिए सहारनपुर भेज दिया। बिजनौर के गांव गंगडोला जट के एक खेत में जाल में गुलदार मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को जाल से मुक्त कर अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन तब तक गुलदार की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जाल लगाया था, जिसमें गुलदार फंस गया। वहीं वनाधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, जिसके बाद खेत मालिक और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये आज करीब 2:30 बजे के आसपास SO अल्दौर का हमारे पास फ़ोन आया कि गंगौड़ा जट एक गांव है, वहां पे एक जाल में गुलदार फंस गया है और अपनी टीम जल्दी से आप भेजिए ताकि उसको बचाया जा सके। जो हमारे SDO साहब हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह, इनके अध्यक्षता में तुरंत एक हमने टीम भेजा, लेकिन टीम जब वहाँ पर मौके पर पहुँची तो देखा कि जो गुलदार था उसका हालत काफ़ी नाजुक था। इन लोगों ने तत्काल जो है दूसरा जाल डाल के उसको पिंजड़े में लिया और करीब 10 मिनट के अंतराल में ही उसका डेथ हो गया। तो जिसने भी ये जाल लगाया है वहाँ पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाकी पोस्टमार्टम कराने के लिए जो गुलदार है उसको IVR भेजा जा रहा है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते हैं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया? तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अयोध्या में चुनाव प्रचार की कमान थामते हुए सपा और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रहार किया।
उन्होंने सपा से पूछा कि अयोध्या कांड के समय किसकी सरकार थी। फिर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें पूजा करनी नहीं आती वो हिंदुत्व की परिभाषा का बखान कर रही हैं। उन्होंने मन से कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी का लक्ष्य है। उन्होंने तंज मारते हुए कहा कि पहले की सरकारें योजना का शिलान्यास करके भूल जाती थी, योजनाएं फाइलों में धूल खाती थी, कोई काम नहीं होता था। आज यूपी की तस्वीर बदली है, यहाँ हाईवे एक्सप्रेसवे बने हैं। उन्होंने कहा कि हम जिनका शिलान्यास करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। बीजेपी ऐसा दल है जो ये दम के साथ कहती है कि जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। सपा ऐसा कह सकती है क्या? उन्होंने कहा था विकास करेंगे लेकिन लाए माफिया राज। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम किसी को एमएलए एमपी बनाने नहीं आते। हम एमएलए और एमपी के माध्यम से देश और प्रदेश की तस्वीर बदले इस काम के लिए हम आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था, भारत की संस्कृति उजागर हो आगे बढ़े ये हमारा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य का, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो रूप था वो राम जन्मभूमि में निहित था। आज लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब वोट मांगने कोई आए तो उनसे जरूर पूछना कि आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं। आप ही थे ना, आपकी सरकार थी ना जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, ये पूछना। जब वोट मांगने आएंगे तो कांग्रेस के लोगों से भी पूछना, हालांकि कांग्रेस अब पूछने लायक भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी पूछना। ये कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये काम तुमने क्यों किया था? और मित्रों ये याद रखना, आपने राजनीतिक ताकत मोदी जी को 2014 में दी और 2019 में दी। उस राजनीतिक ताकत को लेकर के लल्लू सिंह जी ने अपने ही हाथों से उंगली दबा करके वोट दे करके तय किया कि अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर भारत अग्रसर होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की करहल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं कल देख रहा था कि सभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव नामांकन के लिए करहल आए थे, तब उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन एसपी सिंह बघेल ने उनको पांचवें दिन ही यहां आने पर मजबूर कर दिया। उनकी स्थिति आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक दिया वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया। साल 2023 में भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार होगा और राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। उन्होंने कहा कि हमने स्थिति कर दी है कि कोई भी गुंडा एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। जो लोग अभी रेंग रहे हैं उनका रेंगना भी चुनाव बाद बंद हो जाएगा। सीएम ने कहा कि हम यूपी की पहचान खराब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुर्गे जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को धमका रहे हैं, लेकिन अब ये धमकीबाज
बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 10 मार्च को संपन्न हो जाएगी और 10 मार्च के दिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी तब आप देखना फिर क्या प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे स्थापित होता है और कानून का राज फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन देखेगी। भाइयों बहनों, जो ये उत्साह है आप लोगों का, ये उत्साह वास्तव में वास्तविक उत्साह है। मैं कल देख रहा था जिस दिन नामांकन करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करहल में आए थे, उन्होंने कहा अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी ने उनको पांचवें दिन ही वापस यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।